फेवरेट यूट्यूबर दिखा रहे हैं, मैं 20,000 50,000 1,00,000 रुपए बना रहा हूँ, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको पैसे दिए जाते हैं, वो फ्री पैसे होते हैं, वर्चुअल मनी होते हैं, और उसके थ्रू आप जो मार्केट के अंदर एंट्री करके ट्रेडिंग कर सकते हो। निखिल कामत एक सीईओ है, इस कंपनी के सीईओ ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया था, 99% जो ट्रेडर्स है वो अपने एफडी से भी कम रिटर्न बना रहे, हर कोई जो अलग अलग डिफरेंट वेज से लड़ रहा था। तो जैसे कि अर्जुन जब लड़ रहे थे तो अर्जुन के पास धनुष बाण था, जब भीम लड़ रहा था तो भीम के पास जो गदा था। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका एक स्ट्रॉन्ग साइड कौन सा है, कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले उसे मनभूमि में खेला जाता है। कोई चार्ट देखता है, कोई कैंडलस्टिक देखता है, कोई वॉल्यूम देखता है, कोई जो ऑप्शन चेन देखता है, बेसिकली तब से लेकर आज तक 150 साल लगभग हो चुके हैं, अब तक यार मार्केट चल रहा है वैसा का वैसा है, कितने सारे हर्षद मेहता आए और कितने सारे हर्षद मेहता गए। वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो स्क्रैच से समझने वाले, कैसे आप जो है बिगिनर स्क्रैच लेवल से स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर सकते हो, अगर आप जो है सैलरी पे कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कोई छोटा मोटा आपका बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप जो 18 प्लस स्टूडेंट हो, या फिर आप रिटायर्ड घर बैठे आप जो घर का काम कर रहे हो, तो कैसे आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। बिकॉज देखो स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी आजकल हमको सबको है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं साइड में ऐसे रील देख लेते हैं, बैकग्राउंड में कहीं किसी ने शेयर खरीद लिया वगैरह हम लोग सुन लेते हैं, तो आप सबको पता है कि यार अलग अलग कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है, उन लिस्टेड कंपनीज का जो बाय एंड सेल होता है उसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि बेसिकली मंडी में होता है जहाँ पर हम लोग जो हमारे डेली की सब्जियाँ बाय एंड सेल करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है बेसिकली कंपनीज के शेयर्स की। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज है। तो कैसे आप जो इस स्टॉक मार्केट जैसी दुनिया के अंदर आ सकते हो, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, अपने हिसाब से जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग एसेट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चूज कर सकते हो, इसके हिसाब से आपका जो है आउटकम भी डिफरेंट होगा। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। निखिल कामत एक सीईओ है ज़ेरोधा कंपनी के, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के सीईओ ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया था पीछे, और एक बहुत ही ज़्यादा वायरल और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल में 99% ट्रेडर जो है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनमें से जो 99% जो ट्रेडर्स है वो अपने एफडी से भी कम रिटर्न बना रहे, यानी कि 7% से भी ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पा रहे। सो भाई मुझे बस यही कहना है कि जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ही अच्छी दुनिया है, बहुत ही चमचमाती हुई दुनिया है, आप यहाँ पर आते हो हर्षद मेहता जैसी मूवीज देख के यहाँ पर आते हो और फिर आपको हर्षद मेहता बनना होता है। बट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ यार, मार्केट 1857 से चल रहा है, ये मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग भी बनाया है, बीएससी की कैसे शुरुआत हुई थी, जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। तभी से यार एक बरगद के पेड़ के नीचे स्टॉक मार्केट की शुरुआत की गई थी, और वहाँ तब से लेकर आज तक 150 साल लगभग हो चुके हैं, अब तक यार मार्केट चल रहा है वैसा का वैसा है, कितने सारे हर्षद मेहता आए और कितने सारे हर्षद मेहता गए। तो यार आपको मार्केट के अंदर कैसे टिकना है, आपका सर्वाइवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर सर्वाइव करोगे, पिच के ऊपर टिके रहोगे, तो आपके रन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, यानी कि आप जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो पैसे बना लूंगे। एंड दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में काफी सारी निगेटिव बातें बता दी इंट्राडे के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में, बट कुछ चीजें मैं आपको बता दू यार पॉजिटिव भी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, बिकॉज काफी लोग स्टॉक मार्केट से पैसे बनाते भी है। बट आपको जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी मार्केट से, ऐसा नहीं कि यार रातों रात आप जो करोड़पति बन जाओगे, कोई लॉटरी नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई बेटिंग एप्लीकेशन नहीं है पर आप जो रातों रात पैसे बना लोगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस होता है वैसे अगर आप जो यहां से एक्सपेक्ट करोगे, जहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर आपको सीखना पड़ेगा, एंड फिर आप जो पैसे से पैसा बनाते हो। देखो दुनिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे बिजनेस है जहां पर आप जो पैसे से पैसा बनाते हो, और बाकी सारे अलग अलग बिजनेस है जहां पर आपको जो खुद मेहनत करना पड़ता है, आपका टाइम बेचना पड़ता है, एंड फिर उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलते हैं। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा ओनली करियर है, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहां पर आप जो पैसा लगाते हो और बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में आपको थोड़ी डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है, तो आप ध्यान से ढंग से अगर समझोगे तो बहुत पैसा बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर से। पिछले सालों में काफी सारे लोगों ने जो कंपाउंडिंगली सालाना 15-17% मार्केट से अंदर से जो है रिटर्न बनाए, और ये पॉसिबल भी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाभारत के अंदर एक कोट है जहां पर एक शकुनी मामा है जो कहते हैं भांजे को कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले उसे मनभूमि में खेला जाता है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि यार रणभूमि में जब आप बैटल ग्राउंड में खेलते हो उससे पहले आपके दिमाग में उसके प्लान रेडी होने चाहिए, तभी आप जो है एक्चुअल ग्राउंड में जाकर
जाके उस बैटल को प्ले कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यार आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ, बिकॉज काफी सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ही गलत होता है जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। उन्हें लगता है कि यार आप वीडियोज देख रहे हो, हमारे फेवरेट यूट्यूबर दिखा रहे, मैं 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैं भी बना सकता हूँ। देखिए वो अलग लेवल पे हो सकता है, किसी का पेज नंबर 101 आपका पेज नंबर 1 से कंपेयर नहीं किया जा सकता, और आपको ये भी नहीं पता कि वो सच बोल रहा है भी नहीं बोल रहा है, या फिर उसका कैपिटल कितना है, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर रहा है, वो ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सूट करती है नहीं करती। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सारे डिटेल बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर है, कैसे आप डिसाइड करोगे और कैसे आप जो इसको फिगर आउट करोगे बेसिकली, ठीक है। एंड दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जो कि बहुत ही बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इंडियन मार्केट के अंदर, वो हमेशा ये कहते थे कि आप गलती करो, बट आप वही गलती करो उतना ही आप अमाउंट लूज करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि आप जो दोबारा कल आके मार्केट के अंदर फिर से ट्रेड कर पाओ। ऐसा नहीं कि यार पूरा का पूरा अमाउंट डुबा दिया फिर दूसरे दिन यहाँ पर आके ट्रेडिंग के लिए पैसे ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके लॉस के ऊपर एक लिमिट लगा देना, फोमो में नहीं रहना है, कोई भी चीज कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जा रही है, मार्केट यही है 150 साल से चल रहा है और आगे 150, 200, 1000 साल ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप यहां पर टिकोगे तो आप आराम से पैसे बना लोगे, धीरे धीरे बना लोगे। और देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है मार्केट के अंदर, एक उसका ड्रॉबैक कह लो आप, बाकी कोई भी करियर आप जब चूज कर रहे हो तो वहां पर ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप पहले कॉलेज जाते हो या फिर किसी एक ट्यूशन के अंदर जाते हो, उस कोर्स को करते हो, उसकी फीस देते हो, एंड फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद आप जो है उसे कंप्लीट करके फिर उस बिजनेस को या फिर उस नौकरी को करने जाते हो, फिर आपको जो सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके हिसाब से आपको जो है जॉब या फिर नौकरी मिलती है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये कि आपके लिए कोई एंट्री बैरियर ही नहीं, आप 18+ हो चुके हो, कोई भी आपको बता सकता है कि यार आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, एंड जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करते हो ऐसा लगता है कि आप ट्रेडर बन चुके हो। बिकॉज ये बहुत ही मिथ है, लोगों को लगता है कि यार अकाउंट ओपन कर लिया तो दूसरे दिन से आप ट्रेडर हो। नहीं, ट्रेडर बनने के लिए आप तो बस आपका अकाउंट ओपन हुआ है, उसके बाद ट्रेडर बनने के लिए बहुत ही बड़ी जर्नी है, और उसके दौरान आप जब लॉस करते हो तो लॉस आप देते हो बेसिकली, आप मार्केट की गुरु दक्षिणा दे रहे हो सीखने की, तो लॉस से आप सीखते हो एंड जैसे जैसे टाइम जाता है आप जो उससे इंप्रूव करते हो। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो यार डीमैट अकाउंट एक चीज होती है जहां पर आप जो बाय एंड सेल करते हो शेयर्स को, ओके। तो डीमैट अकाउंट एक अलग अलग कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, अलाइस ब्लू, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। टॉप टू यहाँ पर जो ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स, मैं पर्सनली अपस्टॉक को यूज करता हूँ, पिछले काफी वीडियोस के अंदर मैंने आपको दिखाया भी है। तो जाके आप जो अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो, वीडियो के नीचे मैं आपको जो लिंक दे दूंगा, अपना अकाउंट आप अपस्टॉक के अंदर ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़ीरोधा पसंद आ रहा है तो ज़ीरोधा के अंदर भी आप जो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको जो अपस्टॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको जो आइडिया लग जाए कि कैसे अपस्टॉक्स वर्क करता है, ओके। सो यहाँ पर आप देखते हो ये मेरा जो अपस्टॉक का अकाउंट है, तो राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो निफ्टी दिख रहा है और सेंसेक्स दिख रहा है, ठीक है। तो निफ्टी ए इंडेक्स है बेसिकली, तो यहाँ पर आज का आपको जो निफ्टी दिखा रहा है 1.10% जो माइनस में चल रहा है, यानी कि आज मार्केट काफ़ी हद तक नीचे गिरा। इसका रीज़न है दोस्तों इसराइल और ईरान के बीच में जो वॉर टेंशन चल रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आपकी पोजीशन वगैरह भी देख सकते हो, जैसे कि मेरी पोजीशन है, अगर आप मैं पोजीशन के ऊपर नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी पोजीशन दिखा रहा है naukri.com, जो मैंने एक शेयर था मैंने सेल किया, तो बेसिकली वो दिखा रहा है। साइड में आप होल्डिंग के अंदर जाओगे सो यहाँ पर आपको जो मेरी सारी होल्डिंग दिखेगी, सो इसे आप जो देख सकते हो, ठीक है। तो ये होल्डिंग्स एंड पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट दिखती है, तो जहाँ से आप जो अपने वॉच लिस्ट के अंदर अलग अलग स्टॉक जिनके ऊपर आप जो ट्रेड करना चाह रहे हो इन फ्यूचर में, या फिर जो कर रहे हो, या फिर उनका डेटा आपको फाइंड आउट करना है, तो आप जो बेसिकली इसके अंदर इस वॉच लिस्ट के अंदर अपने स्टॉक को यहाँ से ऐड कर सकते हो प्लस के बटन के ऊपर, एंड फिर आपको उसका डेटा दिखने मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रिलायंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रिलायंस का भी भाव यहाँ पर आपको दिखेगा 2929 यहाँ पर जो अभी रेट चल रहा है, और उसका ये चार्ट यहाँ पर आप देख लो जो कि कैंडलस्टिक फॉर्म में है, यहाँ पर आपको जो उसका चार्ट भी नजर आता है। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको जो डिटेल में बताऊंगा कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं, कैसे आपको जो है पैटर्न को समझना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे समझना है, चार्ट पैटर्न को कैसे समझना है, इन सारे वीडियोस को मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर लाऊंगा। बट तब तक के लिए मेरे पिछले वीडियोस को आप जाके देख सकते हो, इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हो, एक पूरी सीरीज मैंने बनाई है, कैंडलस्टिक की एक सीरीज है एंड चार्ट पैटर्न की एक सीरीज है, कंप्लीट सीरीज जाके आप जो देख सकते हो, वहां पर भी आपको जो है काफी कुछ समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। सो ये था मेरा अपस्टॉक का अकाउंट, वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा जाके आप जो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ओके। तो अब जो आगे बढ़ते हैं कि अब जो मार्केट होता है, मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, तो यार शॉर्ट में बताऊं तो सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है एंड उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। अगर आपको जो ट्रेडिंग करनी है इन्हीं 6.25 घंटे के बीच में आपको जो ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तो सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ही मार्केट शुरू होता है। बट अगर आप डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग एसेट्स को चूज कर रहे हो,
तो जैसे कि एग्जांपल के लिए कमोडिटी भी एक सेक्टर होता है जहां पर आप जो ट्रेडिंग कर सकते हो, तो कमोडिटी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो वहां पर आप जो रात तक भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब पर्सन हो, आप सैलरी पे कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए कमोडिटी काफ़ी सही होता है, बिकॉज वो रात तक शुरू होता है, लेट नाइट तक शुरू होता है। तो वहां पर आप जो ट्रेडिंग कर सकते हो आराम से जब आप जॉब से वापस आते हो, तो बिकॉज अदरवाइज स्टॉक मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों के लिए बेटर नहीं हो सकता। ओके, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब गाइस बात करते कि जैसे कि अपना अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया, समझो मान लो पहले से आपका अकाउंट या फिर आपने अभी ओपन कर लिया, उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए कि आप जो किस टाइप के ट्रेडर हो, ये आपको पता होना चाहिए। यस दोस्तों, ये आपको खुद को ही फाइंड आउट करना है। जैसे कि महाभारत के अंदर एक वॉर हो रहा था, राइट? तो जब लड़ाई हो रही थी तो हर कोई लड़ रहा था, बट हर कोई जो अलग अलग डिफरेंट वेज से लड़ रहा था। तो जैसे कि अर्जुन जब लड़ रहे थे तो अर्जुन के पास धनुष बाण था, जब भीम लड़ रहा था तो भीम के पास जो गदा था, अगर कृष्ण लड़ रहे थे तो कृष्ण के पास जो है चक्र था। तो बेसिकली दोस्तों उनके अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स थे, उनके थ्रू जो उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी, उनके थ्रू ही वो जो है लड़ रहे थे, बिकॉज उनके कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उन्हीं के चलते वो जो है उस युद्ध को लड़ रहे थे। तो आपको भी पता होना चाहिए कि यार आपका पॉजिटिव पॉइंट्स, आपका एक स्ट्रॉन्ग साइड कौन सा है, उसी को अगर आप जो कंटिन्यू करोगे मार्केट के अंदर, तो आपका जो सक्सेस रेट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा। बिकॉज अगर आप अर्जुन और आप जो गदा चला रहे हो, तो आप युद्ध लड़ने तो जाओगे बट शायद आप हार के भी आ सकते हो, या फिर आपका काफी समय चला जाएगा उसके अंदर, बिकॉज उस गदाधारी को सीखने के लिए। तो एक नई स्ट्रैटेजी जो आपकी कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो उसके अंदर जैसे एग्जांपल आप ऑप्शन ट्रेडर हो ही नहीं, बाय नेचर आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो, आपको वो जो इंटेंसिटी होती है मार्केट के अंदर, जो प्रेशर होता है आपको सहन नहीं होता है, तो बेसिकली आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो। तो आपको फाइंड आउट वो करना है कि आप जो क्या स्विंग ट्रेडर हो, क्या इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या आप ऑप्शन ट्रेडर हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर हो। बिकॉज दोस्तों प्रॉफिट ना भी करो तो भी चलेगा एक बार, पर आपको लॉस नहीं करना है दोस्तों। बिकॉज काफी सारे लोग जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, बट लॉस करके अपने 2-3 साल वेस्ट तो करते ही है, बट जो लॉस होता है उसे रिकवर करने के लिए उनको आगे 3-4 साल उसे भरपाई करने के लिए कहीं जाके काम करना पड़ता है, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके उसे जो रिकवर करना पड़ता है। तो आपके कुछ पैसे भी चले गए और आपका जो वक्त भी चला गया, तो आप जो कुछ साल पीछे वक्त में धकेले जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका जो है ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो वो कैसे आप फिगर आउट करोगे, तो यार ऑब्वियसली आप पैसे डाल के तो सीखोगे नहीं, वैसे तो काफी सारे पैसे आपके चले जाएंगे सीखने के लिए, तो यही पे एंट्री होती है पेपर ट्रेडिंग की। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पेपर ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों पेपर ट्रेडिंग होता क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, जाके आप जो शॉर्ट वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। पेपर ट्रेडिंग दोस्तों बेसिकली एक वर्चुअल स्टॉक मार्केट गेम की तरह होता है, जहां पर आपको जो एक वर्चुअल मनी दिया जाता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की अमाउंट डाली जाती है, और आपको जो है स्टॉक मार्केट, जो लाइव स्टॉक मार्केट है, वहां पर ट्रेड करने का मौका दिया जाता है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको पैसे दिए जाते हैं, वो फ्री पैसे होते हैं, वर्चुअल मनी होते हैं, और उसके थ्रू आप जो मार्केट अंदर एंट्री करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहां पर आपको एक मौका मिलता है लाइव मार्केट के अंदर किसी और के पैसे, फ्री वाले पैसे यूज करने का, बेसिकली डेमो पैसे होते हैं, एंड फिर आप यहां पर आप जो बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आपकी अलग अलग स्ट्रेटजीज भी यहां पर टेस्ट कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, वो कैसे वर्क करते हैं, अगर आपको उसका सक्सेस रेट अच्छा है तो फिर आप उसे लाइव मार्केट के अंदर असली पैसे के साथ उसे जो बेसिकली यूज कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग बड़े से बड़ा ट्रेडर भी कहता है। पेपर ट्रेडिंग के लिए अब जो है कौन सा एप्लीकेशन बेटर है, एक मनी कंट्रोल की वेबसाइट है जिसका नाम है moneybhai.com। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, जाके आप जो बस आपको एक अकाउंट बनाना है, यहां पर आप देख रहे हो इंडियाज बिगेस्ट वर्चुअल ट्रेडिंग गेम। यहां पर आप जैसे ही अकाउंट ओपन करोगे, आपको जो है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैलेंस दिया जाएगा, फिर आप जो इसे यूज कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए लाइव मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अब हमने जो पेपर ट्रेडिंग सीख ली, अब यहां पर बात करते कि जो टाइप मैंने बताया आपको अलग अलग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, या फिर जो ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट, ये होते क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों, बेसिकली 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर। एक होता है इंट्राडे, जहां पर आप जो सुबह जब मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में किसी शेयर को लेते भी हो और उसी शेयर को बेचते भी हो, तो विद इन अ डे आप जो शेयर को ले रहे हो और बेच रहे हो, तो उसे कहते हैं इंट्राडे। ओके, तो ये इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज आपको जो उसी दिन के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है आपको जो बुक करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की साइड में आता है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि आप जो कैश मार्केट के अंदर आपका जो मतलब जो भी, बिकॉज इंट्राडे के अंदर आपको जो है मार्जिन मिलता है, अगर आपके पास 1000 रुपए तो आपको 5x मार्जिन मिल जाता है, तो आपको जो है 5000 तक के शेयर आप जो ले सकते हो 1000 रुपए में ही आपको मार्जिन मिल जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आपको अगर 5000 के शेयर लेने तो आपको जो 5000 रुपए वहां पर आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए, तो बेसिकली आप जो उन शेयर्स को पूरा का पूरा खरीद रहे हो आपके पास, और उसे आप जो है पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि आप जो है ओवरनाइट उस पर्टिकुलर शेयर को रख सकते हो अपने पास। जैसे कि इंट्राडे के अंदर आप जो है उसी दिन के अंदर आपको बेचना होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप जो है अगले कुछ आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, सालों के अंदर भी रख सकते हो, बट फिर उसे स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहा जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 6 महीने, 8 महीने, जो आप 2 महीने के लिए जो आप
इन्वेस्ट करते हो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो आप जो बस शेयर अपने पास ले रहे हो, जब आपका एक टारगेट हिट होता है या 10% का टारगेट होता है, 12-15% का टारगेट होता है, तो फिर आप जो एग्जिट कर लेते हो। तो अपने हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको आज के आज ही बेचना है या फिर अगले महीने ही बेचना है, वैसे कुछ नहीं। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। पर आपको कैपिटल ज्यादा लगता है, बट ये थोड़ा सा रिस्क ही कम होता है, यहाँ पर कम रिस्क होती है, बिकॉज आप जो अपने हिसाब से जब चाहे बेच सकते हो एंड आपके पास ये जो शेयर होता है, तो जब तक आप उसे बेचोगे नहीं, तब तक आपका जो लॉस या फिर प्रॉफिट बुक नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इंट्राडे से पहले आना चाहिए, बिकॉज वो और भी ज्यादा रिस्की है, बट मैं इसे लास्ट में कवर कर रहा हूँ। उसका रीजन है दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक मार्केट के अंदर बंदा एंटर करता है, तो ये यही सुनकर एंटर करता है कि यार मेरे भाई ने जो ऑप्शन ट्रेडिंग, किसी मेरे दोस्त ने जो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू लाखों रुपए बना लिए, या फिर वो हर रोज 20-25 हज़ार रुपए कमा रहा है, या फिर मतलब जितनी लोगों की सैलरी है उतना तो इसका स्टॉप लॉस है वगैरह। ऐसे बहुत सारे फैशन वीडियोस आप देख रहे हो आजकल, जो कि ग्लैमराइज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। बट दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की एक डार्क साइड आपको जो नहीं बताई जाती है, तो एक बहुत ही शॉकिंग डेटा है, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की गेम होता है। यहाँ पर आपको जो टाइम का लिमिट तो होता ही है, जैसे कि इंट्राडे के अंदर होता है, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग को आप डे ट्रेडिंग के अंदर भी कर सकते हो। आप जो एक्सपायरी यानी कि वीकली इसकी एक्सपायरी होती है, या फिर इसकी मंथली एक्सपायरी भी होती है, ओके, तो अलग अलग शेयर्स की या फिर अलग अलग इंडेक्स की अंदर आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और उनकी अलग अलग एक्सपायरीज होती है वीकली या फिर मंथली, तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो, और एक्सपायरी के दिन आपको जो इसे बेचना ही बेचना है, ओके। सो ये प्रीमियम का गेम होता है। यहाँ पर आप जो प्रीमियम, जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, एंड फिर जो भी प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट यहाँ पर जो एक टाइम लिमिट भी होता है, एंड फिर यहाँ पर जो थीटा डीके भी काम करता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की डिटेल में बात करूंगा, तो आपको इन सारे टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बट मैंने इससे पहले एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल वीडियो बनाए, इन सारे टर्मिनोलॉजीज होते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो एज अ बिगिनर, तो ये वीडियो आप जाके मेरा देख सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है, मैं आपको पहले बता दूं, तो करना भी है अगर आपको, तो पहले ही आपको जो है स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग से करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट टाइप से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप जो इंट्राडे की तरफ जा सकते हो, एक बार आपने मार्केट सीख लिया, चार्ट को सीख लिया, एंड देन फिर आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग को लास्ट में प्रिफेयर कर सकते हो, ओके। अब ये जो चारों टाइप है बेसिकली, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और जो है इन्वेस्टमेंट, इन चारों चीजों को करने के लिए कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मार्केट के अंदर आ रहे हो तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तो भाई देखो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आपके पास मिनिमम 15-25 हज़ार रुपये होनी चाहिए, राइट। तो ये मिनिमम अमाउंट है, यहाँ पर आप जो इसके आराम से शुरुआत कर सकते हो इंट्राडे की, और इतना ही आपका एज अ बिगिनर बैलेंस होना चाहिए, इसे आप ज्यादा नहीं रखो तो ही बेहतर है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका बैलेंस होना चाहिए 1 लाख रुपए का तक का कैपिटल आपका होना चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको जो कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है, इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन मिलता है तो कम कैपिटल के साथ हो जाता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगेन सेम जितना कि इंट्राडे के अंदर लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको जो 15,000 से लेकर 25,000 तक के अमाउंट आपको लगेगा, इतना ही आपको कैपिटल लगेगा, जिसके अंदर आप जो 1 से लेकर 2 लॉट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप जो है लॉट में डील करते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको 15 से 25 हज़ार रुपये होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट बेसिकली 1-2 लाख रुपये से आप इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे SIP वगैरह भी कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कैपिटल नहीं होता है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो मेजरली 3 टाइप है, इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, जिनके लिए मैंने आपको जो कैपिटल बता दिया। अब गाइस बात करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। जब मार्केट के अंदर आते हो तो यार देखो अलग अलग टाइप से आप जो ट्रेडिंग करते हैं, हर बंदा एक टाइप से ट्रेडिंग नहीं करता है, यस दोस्तों, बिकॉज अगर आप देखो तो यार कोई लोग फंडामेंटल यानी कि कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उनका कैश फ्लो, इन सारी चीजों को डिटेल में नोट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, एंड फिर अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर या फिर महीनों के अंदर जो प्रोजेक्शन है कंपनीज का वो जो फाइंड आउट करते हैं या फिर उसे जो प्रोजेक्ट करते हैं, ओके। तो ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस, एंड दूसरा होता है दोस्तों इन सारे चीज को निगलेक्ट करना और यहाँ पर जो है चार्ट को देखना। तो बेसिकली अगर आपको रिलायंस को स्टडी करना है तो 2 ऑप्शन है, तो या तो आप जो रिलायंस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली रिलायंस अगर प्रॉफिटेबल होगा तो चार्ट ऊपर जाएगा रिलायंस का भाव बढ़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो, यानी कि फंडामेंटल के अंदर जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर जो उनकी बैलेंस शीट है वो देख सकते हो, या तो फिर रिलायंस का चार्ट आप देख के, यानी कि इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो 2 टाइप है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप जो बस चार्ट को देखते हो, चार्ट से पता लगाते हो कि कैंडलस्टिक देखते हो, चार्ट देख सकते हो, इसके अंदर और अलग अलग चीजें, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई चार्ट देखता है, कोई कैंडलस्टिक देखता है, कोई वॉल्यूम देखता है, कोई जो ऑप्शन चेन देखता है बेसिकली। तो अलग अलग वेज है जहां पर आप जो चार्ट को देख के, कैंडलस्टिक को देख के पता लगाते हो कि आगे आने वाले दिनों के अंदर होता क्या है। तो इन सारे चीजों को मैंने जो इन सारे दोनों वीडियोस के अंदर कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न के वीडियोस के अंदर कवर किया है, जाके आप जो उन वीडियोस को देख सकते हो, ओके। बट जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो यार आपके लिए शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट होता है,
तो इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको जो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, ओके, बिकॉज टेक्निकल या फिर फंडामेंटल। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है, फंडामेंटल एक लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, बिकॉज आप इंट्राडे जब आप कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है ये पता होना चाहिए। आज के दिन के अंदर क्या होने वाला है ये तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के आज क्या होने वाला है वो डिपेंड नहीं होने वाला, ओके। तो आज क्या होने वाला है ये आपको जो चार्ट देखकर ही पता लगेगा, या फिर अगले कुछ दो तीन दिनों के अंदर, अगले कुछ हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है ये चार्ट के ऊपर जो डिमांड एंड सप्लाई है ये देख के आपको पता लगने वाला है कि अगले आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, चार्ट या फिर शेयर का भाव कहां पर जाने वाला है। तो वहां पर आपको जो टेक्निकल एनालिसिस ही करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस ही बेटर होता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो। एंड जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो यानी कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर आपको जो है डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस ही करना चाहिए। डेफिनेटली आप जो चार्ट को भी देख सकते हो, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देख सकते हो, बट आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज इन लॉन्ग रन अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगी, फिर वो चार्ट कैसा भी हो, ओके। बट काफी सारे ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं उसका रीजन है बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होती है मार्केट से, एंड यही पे वो जो है मात खाते हैं, बिकॉज यहाँ पर मार्केट के अंदर तीन चीजें या फिर दो चीजें मान लो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है ग्रीड एंड जो फियर। अगर ग्रीड एंड फियर के ऊपर, अगर इमोशन के ऊपर आपका कंट्रोल होगा तो एक बहुत ही लंबी गेम आप जो इस मार्केट के अंदर खेल सकते हो। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो डिटेल में बता दिया कि क्या आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो, ओके। तो चलिए भैया, अगर आपके कुछ डाउट है, अगर कोई मैंने पॉइंट मिस किया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम लोग आंसर करेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर इस सीरीज के काफी सारे पार्ट आपको देखने मिलेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।